नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई नहीं बताता। तो मैंने बजाज कंपनी में था तो मैंने ट्रेनिंग लिए, जो कार्बोरेटर रहता उसकी जो ई सर्कलिप रहती है उसकी क्या पोजिशन रहती है, नीडल की क्या पोजिशन रहती है। जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल रहती है ना, वो एक्सेलेटर वायर से कनेक्ट रहती है। जितना एक्सेलेटर वायर हम ऊपर खींचते हैं तो ये ऊपर जाती है और ये नीचे आती है। यदि इसके अंदर की सर्कलिप रहती है, यदि उसकी पोजीशन सही नहीं रहे तो उसमें मान लो नीचे रह जाती है, जो नीचे रह जाएगा तो ये पूरी तरफ से ओपन नहीं होगा तो गाड़ी चालू नहीं होगी। और यदि और ऊपर रह जाएगा तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसमें ज़्यादा जाने लग जाता है, एवरेज कम मिलेगा, गाड़ी मिसिंग करेगी। तो ये बहुत सारी समस्या रहती है। तो ई सर्कलिप रहती है उसकी पोजीशन को आपको पता होना जरूरी रहता है। तो मैंने बजाज कंपनी में था तो मेरे को पता है बजाज कंपनी में कितनी सेटिंग रहती है। तो मेरे पास पूरा मैनुअल रखा है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा मैनुअल है बजाज का, किस तरीके से एवरेज सेट करते हैं, किस तरीके से ई सर्कलिप की पोजीशन रहती है। तो जो बजाज प्लेटिना रहती है उसकी ई सर्कलिप की पोजीशन रहती है। तो मेरे पास में ट्रेनिंग मैनुअल है, आपको देखा, मैं सबकी बताऊंगा आपको, पल्सर की भी, पल्सर 150 180 डिस्कवर सीटी 100 कैलिबर बिंड, और जिसके बाद आपका क्या नाम से अपाचे बाइक का ठीक है, करिश्मा का, रेडियन का, सबका बताऊंगा मैं। आज बता रहा हूँ मैं आपको जो प्लेटिना रहती है उसकी क्या प्रोसेस है। तो इसको खोल लीजिए, खोलने के बाद इसको बस पुश कर दीजिए, इसमें तीन चीज़ें निकलेगी, सभी में रहेगी, किसी किसी में अलग रहती है, ये लॉक रहता है, ठीक है। तो आपको बस पोजीशन पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो प्लेटिना है, प्लेटिना बाइक की जो ई सर्कलिप है उसकी पोजीशन भी फोर्थ पे रहती है। जो सीटी 100 की रहती है सेम पोजीशन प्लेटिना बाइक की भी रहती है। तो फोर्थ में क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके अंदर ग्रू बने रहते हैं, देखो छोटे छोटे ग्रू रहते हैं, अभी मोबाइल में दिखे कि नहीं दिखे, 1 2 3 4 5। तो टॉप से ऊपर से लेके चौथे नंबर पे जो ई सर्कल की पोजीशन रहती है वो फोर्थ पे रहती है। जैसे सीटी 100 में रहती है सेम प्लेटिना में भी फोर्थ में रहती है। तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ, आराम से निकालना इसको। ये ई सर्कलिप रहती है, जो ई शेप में रहती है इसलिए इसको ई सर्कलिप बोलते हैं, ठीक है। ये ई सर्कलिप रहती है, ये कौन सी पोजीशन पर रहती है, ये नीडल रहती है, आपको ये दिख रहा होगा ग्रुप में, पास में ले जाकर आपको बताता हूँ। देखो इसको हटाता हूँ सर, हाँ ये पेज को हटा दिया तो थोड़ा सही दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5, तो ये हमेशा फोर्थ पे रहेगी, ठीक है। कभी भी आप लगाओ ई सर्कलिप को तो इसमें फोर्थ पे लगाना है आपको। इसको उठाओ, आराम से लगाना, केयरफुल लगाना, 1 2 3 4, ये फोर्थ पे आप लगाओगे और थोड़ा सा पुश कर देना आपको जी, इस तरीके से ये ई सर्कलिप लग जाएगी और फिर इसको आराम से आप लगा देना। तो आपको पता होना चाहिए कितनी ई सर्कलिप की पोजीशन रहती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर आपको समझ में आएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो नया मैकेनिक भाई है उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।